नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर जेठवाई मार्ग पर लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, मेरा लाने का उद्देश्य यह था, यह त्रिकुंटा पहाड़ी है। यह त्रिकुंटा पहाड़ी यानी कि 3 इसके कोने निकले हुए हैं और यहाँ देवी का मंदिर है। लेकिन मैं आज आपको जो लेके आया हूँ उसका मूल उद्देश्य है, इस पहाड़ी के ऊपर गूगल के कई पौधे हैं। गूगल एक आयुर्वेदिक पौधा है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको गूगल के पौधों का यहाँ का चित्रण करवाऊंगा, उसके बाद में इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह गूगल का पेड़ है और इस पे फल भी लगे हुए हैं, इसके बीज भी लगे हैं। मैं आपको नज़दीक ला करके दिखाऊंगा। एक ठीक उसके ऊपर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो यह जो है इसके ऊपर कुछ बीज भी लगे हुए हैं। ठीक दोस्तों, यह भी गूगल का पेड़ है। यह यहाँ की जो वन में रहने वाली जो जातियां हैं, जैसे व्हील है या कह सकते हैं जोगी है, वह यहां से देखो आप कट, ये कट लगा हुआ है। यहां इसको कट लगा करके यहां से इसका गोंद निकालते हैं, उसको गूगल कहते हैं। वैसे तो ये आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी काम आता है। दूसरे में यह हमारे यहाँ पर जो हम पूजा अर्चना करते हैं उसके अंदर विशेषकर देवी देवताओं के आगे जो धूप करते हैं, यानी कि जो एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसके अंदर एक विशेष सुगंध आती है, महक आती है, तो ठीक यह वही पौधा है दोस्तों, गूगल का पेड़। इसको गूगलानी भी कहते हैं। यह यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके एक व्यवसाय का यह बहुत अच्छा कह सकते हैं सहायक पौधा है। तो यह इसके बाजार के भाव का कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं 400 रुपये से लेकर के 1000 रुपये 2000 रुपये किलो तक, यानी कि इसको जो पारखी लोग होते हैं वो उसको पारख करते हैं। इसका गोंद निकलने के बाद गोंद के साथ में कई छेड़छाड़ भी होती है, लेकिन जो इसको पहचानने वाले होते हैं वह इसको पहचान लेते हैं। इसका अमूमन राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन विशेषकर इसको बीकानेर के अंदर इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये गूगल का पेड़ है। ठीक, इसमें कई जगह पर कट लगाए हुए हैं, तो यह सब यहाँ से गूगल का जो गोंद निकलता है वो निकाला गया है और फिर इसको इकट्ठा करके यहाँ की जो भील और जोगी जाती है वह शहर में बेचती है। तो दोस्तों, यह इसकी खुशबू है वह बहुत ही अच्छी आती है और इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे बीज लगे हुए हैं, मैं मेरे दोस्त को कहूँगा आपको दिखाएंगे, यह ठीक इसके ऊपर बीज लग रहे हैं और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो दोस्तों, यह गूगल का पेड़ है। कुछ और गूगल के पेड़ ऊपर भी होंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, ऊपर की ओर चलते हैं, आइए। दोस्तों, यहाँ पर कई गूगल के पेड़ हैं। यह भी एक बहुत बड़ा गूगल का पेड़ है, मैं नज़दीक जा करके आपको दिखाता हूँ। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, गोंद निकालने के लिए लोग क्या प्रयोग करते हैं। यहां उन्होंने एक पॉलोथीन का पैकेट लगाया है और ठीक यहां से उसको कट लगा दिया गया है पौधे में और यहां इकट्ठा हो रहा है दोस्तों, यह इसमें इकट्ठा हो रहा है। यहां से ये देखो जो येलो कलर पीले रंग का आपको दिख रहा है, यह इसमें से गोंद का निकल रहा है। यह जो गोंद बेचते हैं, गूगल निकालते हैं, यह उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, यह देखो आपने जो देखा है इसमें से इकट्ठा हो जाएगा, फिर जब भी यह जो यहाँ घूमने वाले लोग हैं वह इसको इकट्ठा करके और फिर जाकर के बाजार में इसको बेचेंगे। तो यह ठीक गूगल का पेड़ है। इस पर कुछ यहाँ बीज भी लग रहे हैं जो मेरे दोस्त को कहूँगा आपको दिखाएंगे।
लेकिन यहाँ जो मैंने आपको बताया एक पॉलोथीन का यह बैग, जो यहाँ जंगल में रहने वाली जो आदिवासी जातियाँ हैं वह यहाँ की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करती है, तो उसमें से यह गूगल भी उनका एक व्यवसाय है। तो यहाँ पथरीली जो चट्टान है इसके पीछे घूमते रहते हैं। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ क्या इसमें गूगल थोड़ा बहुत भी है या नहीं है। उन्होंने ये पत्थर इसके ऊपर लगाए दोस्तों, ये पॉलोथीन हवा में गिरे नहीं। आप देख सकते हो यहाँ गूगल निकला हुआ है, यहाँ गूगल निकला हुआ है। यह गूगल का वह हिस्सा है जो इन्होंने इसको पेड़ को काटा है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा एक अन्याय है इस पौधे के साथ में। तो दोस्तों यह इसमें निकलने के बाद इसमें गिरता रहता है, और यह गोंद है जिस तरह से रबड़ का पौधा होता है ठीक उसी तरह से इसमें से बीच में से निकलता रहेगा और इसमें से इकट्ठा होता रहेगा। यह गूगल का जो कुछ हिस्सा है, यह यहाँ की जो जंगल में निवास करने वाली जातियाँ हैं ये उन्होंने यहाँ अपना एक उनका रोज़गार है, लेकिन रोज़गार करते हैं ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर पेड़ों को काटा जाता है तो शायद वह ठीक नहीं है, यह मेरा ऐसा मानना है। तो ठीक, मैंने आपको ये दिखाया, यह गूगल का जो कुछ अंश है यह इसमें से निकला है। अब ये जो इस तरह से कई पौधे यहाँ पर छिटाए हुए हैं, तो वहाँ पर यह लोगों ने गूगल निकालने का प्रयास इस तरीके से किया है। दोस्तों आइए कुछ और पहाड़ी पे चलेंगे, कुछ और पौधे देखेंगे, शायद ऐसे कुछ और नज़ारे हमें नज़र आ जाए, तो चलते हैं ऊपर की ओर। तो दोस्तों इस तरफ तो जो गूगल का पेड़ था ठीक मेरी बाएं हाथ दाहिने हाथ की तरफ भी एक गूगल का पेड़ है, मेरे मित्र को कहूँगा यहाँ पर भी एक गूगल का पेड़ है, वो बिल्कुल ठीक यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ और ऊपर होंगे, आइए पहाड़ी पे चलते हैं। तो दोस्तों कहानियाँ बहुत हैं, किस्से बहुत हैं, वनस्पति बहुत है, और यहाँ की प्रकृति में बदलाव बहुत है। एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ समतल मैदान है। तो दोस्तों मैं जो आपको दिखाने के लिए आया था, यहाँ की जो वनस्पति है उसमें कई चीज़ें उपयोगी है, ठीक उसी क्रम में मैंने आपको दिखाया गूगल का पेड़। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर नज़रिए से देखें तो मुझे एक साइंस का छात्र बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ की जो हमारी लोकल परिपाटी है उसमें इसका क्या महत्व है, वो महत्व मैंने आपको समझाया है, उस पौधे को दिखाया है, और उसमें से गूगल किस तरह से निकालते हैं लोग ठीक वो भी बताया है। लेकिन दोस्तों एक बात और भी है, आजकल के समय में लोगों के पास इंजेक्शन आ गए हैं, वह इस पौधे की तने में देते, यह पौधा जो है इसका जो तना है वह स्मूथ है, उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद यह गूगल का पेड़ है वह स्वतः ही गोंद बड़ी तेज़ गति से छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कहते हैं उसके बाद इस पौधे का कहते हैं फिर उम्र ख़त्म हो जाती है, तो दोस्तों ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। देखा तो नहीं है लेकिन सुना है। तो दोस्तों मैं वही शॉप जिसमें से सुरेश कुमार हस, कैमरामैन सौमिर सिंह के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।